हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियन फैमिली इन यूके ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। और सुबह आने के बाद जॉब से मैंने किचन में मैं आई हूँ, लंच बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, या फिर मैंने जो है चाय बनाया, या मैंने पैक लंच बनाया, टिफ़िन बनाया, ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ आज, क्योंकि आज मैंने भरपूर नींद लिया है। सुबह मैं 6:30 बजे घर आ गई हूँ और उसके बाद आराम से सोई हूँ। बच्चे भी सो ही रहे थे, सब उठे बाद में। जब वो उठे, उनको जब उठना था, हस्बैंड ने सबको लंच वगैरह करा दिया था। तो मैं आज पूरा भरपूर नींद ली हूँ सुबह आने के बाद। पहली बार ऐसा था, पहली मॉर्निंग ऐसा था कि मुझे जो है कुछ नहीं करना था आज, मतलब इस हॉलीडे में पहला मॉर्निंग ऐसा था कि मैं आकर सो गई। उसके बाद मैंने फिर अपना शावर वगैरह किया, पूजा किया, फिर यहाँ चाय बना रही हूँ मैं, मेरे हस्बैंड का और मेरा। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बनाई थी तो उसी का सैंडविच बना ले रही हूँ। और ये मैं दिखा रही थी गार्लिक एंड हर्ब, जो है ये मैं हमेशा ये वाली जो है सॉस यूज़ करती हूँ। जब वैसे घर में भी बना के रखती हूँ, ख़त्म हो गया है मेरा वाला, तो मैंने ये जो है स्टोर बॉट भी यूज़ कर लिया है, क्योंकि जब होता है तो फिर ऑप्शनल में मैं रखती हूँ इसको हमेशा घर में। और ये वीगन है, इसमें कोई एग्स वगैरह नहीं होता है। चाय भी यहाँ पे रेडी हो गई है, बस चाय पीते पीते सबने प्लान कुछ और ही बना है, आगे अभी आपको दिखेगा ही। तो हमारा प्लान ऐसे ही बनता है। और आज बहुत दिनों के बाद मैं और हस्बैंड बैठकर एक साथ जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। हालांकि हस्बैंड सुबह में अपना कॉफ़ी और टोस्ट ले चुके हैं एक बार, लेकिन मेरी आदत है कि जब भी मैं चाय बनाती हूँ या वो बनाते हैं चाय मेरे लिए, तो हम दोनों एक साथ ही पीते हैं। और अपना नाश्ता बनाऊंगी तो भले एक ही बनाया मैंने ब्रेड, लेकिन इसमें से भी हम दोनों आधा आधा खाएंगे। एक मेरा ही नहीं है ये, इसमें से हम दोनों का हो जाएगा। काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है ये। और बस हमारा चाय रेडी है, हमने क्रिसमस वाला जो है कप निकाल लिया है। आज थोड़ा सा क्रिसमसी सा, कोजी कोजी सा फील करने का बहुत मन हो रहा था सुबह सुबह, तो बस हम दोनों ने चाय पिया। और चाय पीते पीते यहाँ प्लान ये बन गया, मेरा नहीं बना था, इन्होंने ही बना दिया कि चलो लेस्टर चलते हैं। हमने कहा अब लेस्टर का जब प्लान कैंसिल, क्योंकि पहले मैंने बनाया था प्लान, तो इन्होंने कैंसिल किया कि अब न्यू ईयर पे फिर बोलोगी मुझे मंदिर जाना है, तो न्यू ईयर पे ही चलेंगे और अभी रहने दो, एक हफ्ते के बाद तो ही न्यू ईयर आ जाएगा और फिर तुम फिर कहोगे कि मुझे अब फिर जाना होगा। और लेस्टर आने जाने का 2.5 घंटा लग जाता है, प्लस उसके बाद फिर ड्राइविंग भी तो है, उसके बाद पेट्रोल भी है, तो कई चीज़ें हैं अपना, बजट भी देखना होता है। बार बार हम नहीं जा सकते हैं इस तरीके से बाहर कहीं, तो हमारे प्लान कुछ इसी तरीके से बनते हैं हमेशा, बिना प्लान के ही हम कहीं भी चल देते हैं। और ये होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हम अगर प्लान बनाकर कुछ करते हैं तो नहीं हो पाता है, और जब बिना प्लान के करते हैं तो ही हो जाता है। तो फिर मैंने भी अपना जल्दी जल्दी जो भी मुझे याद आया वो लिस्ट बनाया और फिर मैं हम लोग निकल पड़े। और अब हम यहाँ 70 माइल की रफ्तार से आ गए हैं 50 माइल्स पे, क्योंकि ये जो आपको जो है ब्लिंक करता हुआ बोर्ड दिख रहा है यहाँ पर यूके में, हर जगह भी आई थिंक वहाँ इंडिया में भी होता होगा, एक्सीडेंट या इंसीडेंट होता है तो पहले ही सूचना आ जाती है कि आगे कुछ हुआ है। तो यस, यहाँ पे स्पीड स्लो कर दी गई, हालांकि ये मोटरवे है, यहाँ पे 70 माइल की रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं। और ये देखिए यहाँ पे अब जितने देर दूर तक ये होगा ना, उतने दूर तक ये बोर्ड पे ऐसे ही आता रहेगा, इंसिडेंट हुआ है स्लो डाउन, इंसिडेंट स्लो डाउन, ऐसे ही चलता रहेगा। और इस तरीके से आगे तक करीब 40 मिनट का जो है हमारा यहीं पर हमको वेटिंग करना पड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पे ड्राइविंग होती है, आप मतलब पहले से ही चीज़ों को, यहाँ तक कि अभी आपको गूगल पे भी, जैसे हम लोग नेविगेशन लगा के जब चलते हैं तो हमारे नेविगेशन पे भी आ ही जाता है कि हाँ आगे जो है ट्रैफिक है, तो इसलिए स्लो डाउन हो जाओ और टाइम लगने वाला है। तो नेविगेशन कभी कभी आपको रास्ता निकाल कर दे भी देता है कोई, जो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से होता है पास में, लेकिन क्योंकि यही एक रास्ता है मोटरवे और सीधे लंदन जाने का, तो और कोई रास्ता था नहीं मोटरवे से चेंज करने का, तो इसलिए अब हम फिर आते ही
जैसे हम वहाँ से निकले, मतलब ट्रैफिक से सीधे हम आए मंदिर। मंदिर में हमने ये स्वामी नारायण भगवान का मंदिर है, हमने जाके दर्शन किया। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है हेयर कटिंग का काम था, हेयर कटिंग हुआ। फिर महाभारत होती है, इन दोनों का करवाने में ज़्यादातर राम का। लास्ट टाइम हमने घर पे किया था, थोड़ा सा जो है इधर उधर हो गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चीप है, उतना एक्सपेंसिव नहीं। वरना हेयर कटिंग हमारे साइड में 15-15, 20-20 pounds है करीब। यानी 15-20 pounds का मतलब हो गया एक हेयर कटिंग का 2000 pounds, आप 2000 rupees रख लीजिए इंडियन, तो 2000 में वहाँ पे 2 से 2500 में करीब बाल कटते हैं। तो इस वजह से हम जब भी आते हैं यहाँ पर तो बाल वगैरह बच्चों के कटवा लेते हैं। इस बार हमने रामकृष्ण के भी कटवाए, कृष्ण तो बड़े अच्छे से देख लीजिए बैठ के कटवा रहा है, क्योंकि ये भैया बहुत अच्छे हैं और इनका नाम है कालिदास जी। और मैंने जो है मुझे बड़ा ऑड लग रहा था, पहली बार ऐसे जेंट्स सैलून में लेडीज़ को इस तरीके से बिठा के और पकड़ के, मतलब पूरा तब ये काटने दिए हैं। शिव राम ने थोड़ा आफत मचा दिया था, बाकी कृष्ण तो अच्छे से कटवा रहा था। और ये है इनके सैलून का नाम, ये मतलब उसी मंदिर के आस ही पास में है, बिल्कुल आपके टाउन में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। तो अगर इधर रहते हो, काफ़ी फैमिलियर हैं, अच्छे हैं, तो हमें अच्छा लगा। हमारे पास इनका नंबर है, हम जब भी जाते हैं पहले से इनको अपना का टाइमिंग शेड्यूल वगैरह जान लेते हैं कि ये हैं, तो फिर हम उस हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं। तो ये थे, तो उसके बाद फिर हम जो है अपना ये सब काम करके और उसके बाद फलकन चले गए। फलकन से हमने जो भी ग्रोसरी लेना था वो लिया, उतना ज़्यादा कुछ ऐसा ख़त्म नहीं था, अभी हम दिवाली टाइम में ही गए थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ खिर्ची मिर्ची थोड़े बहुत ख़त्म हो जाते हैं। जो जो मेरे ध्यान में था वो हमने अपना लिस्ट बना लिया था, वहाँ से ला के गाड़ी में डाला। और उसके बाद फिर आ गए हम लेस्टर सिटी सेंटर। लेस्टर सिटी सेंटर हम कभी नहीं आए थे, आते थे तो टाउन से ही हम वापस चले जाते थे, यहाँ पर हम पहली बार आए थे और आ जा रहे हैं डिनर के लिए, क्योंकि डिनर टाइम हो ही गया था हमारा। लंच भी हम कोई ऐसा बहुत जो है भी नहीं करके निकले थे, तो इधर आए, यहाँ गाड़ी वगैरह पार्क किया। लेकिन हमारी जो बुकिंग हुई थी टेबल की, हमने रास्ते में कर दिया था, वो था 7:40 का, और हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था कि हम जो है यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकें। कहाँ घूम रहे हैं हम लोग? लेस्टर सिटी सेंटर। आज लेस्टर सिटी सेंटर आए हैं और 3 बजे पहुँचे हैं, और सब्जी भाजी जो भी लेना था लिया, इनका लोगों ने हेयर कटिंग कराया, और उसके बाद अब हम आए हैं लंच डिनर के लिए। लंच क्या है? डिनर है, लेकिन अभी जहाँ हमें जाना है वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो 7:40 पे वहाँ स्पेस होगा, उसके बाद फिर हम डिनर के लिए वहाँ जाएंगे। कोई मोगली करके है, मोगली मोगली क्या है पता नहीं, अभी अभी पहली बार जा रहा है, तो अभी हमें भी नहीं मालूम है कि क्या है उसका एक्चुअल नेम। तो चलिए आपको हम आज लेस्टर सिटी सेंटर दिखाते हैं। जब कोई आता है तो मुझे वीडियोग्राफी करना बिल्कुल लगता है कि क्या करें। ये देखो इनका, सोच रहे हैं मुझे मेरा लुक भी ले ही लो मम्मी। तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था, और यहाँ मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि रोड पे शोर हो ही रहा है आजकल। दिवाली कह रहे हैं, क्रिसमस का धूमधाम है ना हर जगह, तो हर जगह पर शोर होता है, तो म्यूट कर दिया है मैंने ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो हम सिटी सेंटर हम पहले कभी नहीं आए थे, आते थे तो टाउन तक ही आते थे और चले जाते थे। इस बार हम सिटी सेंटर के अंदर भी आए हैं और हमने खूब अच्छे से एक्सप्लोर किया कि चीज़ों को। और यहाँ पे जो है हर एक जगह मतलब बहुत अच्छा सा सजा हुआ था, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है ना, जैसे हम दिवाली के दिन हर एक घर में दिया जलाते हैं, छोटे छोटे घर हो चाहे बड़े घर हो, महल हो,
कुछ भी हो, चाहे जैसा भी हो, हमारा एक झोपड़ी भी हो, हम उसको सजाते हैं क्योंकि हमें लक्ष्मी माता और राम जी का स्वागत करना होता है। तो इसी वजह से हम जैसे अपना घर सजाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्रिसमस एक लौता इनका त्यौहार होता है जो कि बड़े धूमधाम से ये मनाते हैं इंग्लिश लोग, और अब तो हम लोग भी मनाने लगे हैं क्योंकि कॉपी करने में तो हम कहीं किसी से पीछे तो हैं नहीं। तो यस, हम भी मनाते हैं अच्छे से अब तो हमारे यहाँ भी। अब पहले तो मैं नहीं मनाती थी क्रिसमस, प्रियंका के नर्सरी जब उसने स्टार्ट किया है तब से फिर मैंने मनाने लग गई हूँ, वरना फिर क्रिसमस के टाइम पे मैं हमेशा इंडिया चली जाती थी और हम जान करते भी नहीं थे। रेस्टोरेंट था तो हस्बैंड करते थे क्योंकि रेस्टोरेंट में ट्री वगैरह रखी जाती थी, हम नहीं, मैं नहीं करती थी। तो जैसे हमारे तो पूरे साल में त्यौहार आते ही रहते हैं, लेकिन इनके लिए एक क्रिसमस इकलौता त्यौहार होता है जो कि ये धूमधाम से मनाते हैं, हर कोई मनाने लग गया है अब तो। तो यहाँ पर चाहे एक छोटा सा घर भी होगा, चाहे कोई भी होगा अपना घर सजा के रखेगा इस मतलब क्रिसमस के टाइम पर, उसी तरीके से चाहे रोड हो चाहे घर हो, हर जगह आप निकल जाओ तो डेकोरेशन ही मिलेगा लाइटिंग का। और एक से एक लाइटिंग हो रखी थी यहाँ पे कि बस देखते ही बनता था। कुछ चीज़ों हमने जो है मिस कर दिया, छोड़ दिया क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया था, भूख लग रही थी। वाटरफॉल हमारे यहाँ इसको बोलते हैं झरना, हमारे यहाँ झरना बोलते हैं, फाउंटेन वाटरफॉल नहीं है बेटा, ये तो फाउंटेन है बड़ा सा। और ये मैं आपको दिखा रही थी जो अभी, ये एक छोटा सा इन्होंने बना रखा है यहाँ पे डेकोरेशन करके। तो जैसे हम लोगों के यहाँ गर्भगृह होता है उसी तरीके से इन्होंने जीसस का गर्भगृह, मैं तो यही बोलूँगी, बना रखा है। तो वहाँ जीसस का बोन होते हुए दिखाए हैं और उसको मैंने ओरिजिनल साउंड में ही रहने दिया है कि ये आपको अच्छा लगे। और उसके बाद हमने थोड़ा यहाँ फाउंटेन वगैरह पे आके सेल्फी लिया और इस सब मोमेंट को भी कैप्चर किया क्योंकि एंड ऑफ द टाइम यादें ही रह जाती हैं। और अब हम मोगली रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं और यहाँ आकर मुझे जो है ऐसा लगा कि जैसे मानो सारी जहान की जो है ठंडक हमें ही लग रही है और किसी को लगती ही नहीं है यहाँ पे ठंडक। तो यस, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और खाना खाने के लिए बाहर वेट कर रहे हैं, अभी हमें बुलाया जाएगा जब हमारा टाइम आएगा, हम 5 मिनट पहले ही पहुँच गए थे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे मंकी का, बंदर का मैंने जो है ये देखा निशान,
और मोगली नाम है इसका, डब्लू जो है साइलेंट मोड में है, तो मोगली वैसे हम, मैं तो इसको मोगली ही बोलूँगी और आपको जो प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हैं। मेरे प्रोनाउंसिएशन में ये मोगली ही निकल के आ रहा है क्योंकि डब्लू साइलेंट है। और यहाँ पे डेकोरेशन, जैसे ये जो इमाम दस्ता होता है जार हमारा कांच का, उसके अंदर लाइटिंग करके रखा हुआ था। और यहाँ पे झूले लगे हुए हैं बिल्कुल जैसे बंदरों का जो जंगल होता है ना, बंदरों के जंगल का थीम ये यहाँ का है। और झूले पे बैठकर खाना खाइए, हमने चूज़ किया था ये बिग वाला टेबल क्योंकि हमारी जो लंबी सी बड़ी सी काफ़ला है उसके लिए हमें बिग टेबल ही चाहिए होता है, 6 का टेबल चाहिए होता है, तो हमने 6 का टेबल बुक किया था। और हम मैं वही दिखा रही थी कि 5-स्टार होटल है ये। और यहाँ पर देखिए ये जो कटलरी है वो कहाँ किस में रखा हुआ है, ये जो टीन का जो देसी घी का डब्बा होता है बटर घी का, ये उसी डब्बे में रखा हुआ है। और तो पहली तो ख़ास बात इस जगह की थी कि बंदरों के जंगल का थीम था, दूसरा था यहाँ पे झूले पर खाना खाइए, और तीसरा ये था कि ये जो लंच बॉक्स होता है टिफ़िन खाना यहाँ इसी में सर्व किया जाता है ऐसे। और सारी चीज़ें स्टील में आपको दी गई हैं, स्टील के ही आपको बर्तन मिलेंगे, यहाँ पे कोई चीनी मिट्टी का काम नहीं है। और ग्लास जो है साथ में। ये देखिए खाना ख़त्म हो चुका है, मुझे सबसे ज़्यादा ये रैप अच्छा लगा था और ये सैलड रैप है, मैंने यही खाया था, जाने इसका क्या नाम था मैं भूल गई हूँ, आपको किसी वीडियो में आने वाले में नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और ये है झूला, और मैंने कहा ये टिफ़िन काश जैसे हम लोग मटका कुल्फ़ी खाते हैं और कहा जाता है कि आप इसको ले जा सकते हो, कह देते कि टिफ़िन भी ले जाओ घर में तो कुछ पैसा वसूल होता यहाँ पे आने के बाद का। तो ये थोड़ा सा मेरा देसी थॉट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद खाना पीना हो गया, और ये जो जार था पानी का इस पर देखिए 3 बंदर बने हुए हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा कौतूहल यही हो रहा था कि बंदरों की थीम थी यहाँ पे। और उसके बाद डेजर्ट हमने मंगाया, डेजर्ट में कुछ अंदाज़ा था नहीं कि क्या होगा कैसी क्वांटिटी में होगा, हमने अपने तीनों के लिए मंगाया था एक एक गुलाब जामुन विद्दा वनीला आइसक्रीम। यहाँ पे डेकोरेशन में इन्होंने लगाया है अनार का दाना और पुदीना ऊपर से। शिवांश ने ब्राउनीज़ मंगाया था विद्दा वनीला, और प्रियंका ने सिर्फ आइसक्रीम कोन्स लिए थे। और हमने शेयर किया इसी में फिर, और इन लोगों ने महाभारत भी किया, और दीदी और भैया का दुलार भी देख लीजिए। और ये सारी बटरिंग हो रही है दीदी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए। तो फिर अब हम यहाँ से सीधे अब घर के लिए निकल चुके हैं, और कहीं और भी जाना था लेकिन आगे फिर कभी प्लान बनाएंगे तब जाएंगे वहाँ पे। और घड़ी में बज रहे हैं 9:45 जो कि अभी रात के 9:45 है, और हम करीब वही पहुँच गए थे 2 घंटे के बाद। हेलो, तो हम लोग अभी लौटे हैं और सब सामान मैंने अभी निकाल के रख दिया है, और बहुत भीड़ है हर जगह पे। क्रिसमस हो चाहे दिवाली हो, हम इंडियंस हर त्यौहार धूमधाम से जोरों शोरों से मनाते हैं, कोई फ़र्क नहीं करते किसी चीज़ों में, तो भीड़ बहुत है। और मौसम अच्छा था आज, 12 का टेम्परेचर था, तो इसीलिए निकल पड़े। नॉर्मली यहाँ वेदर तो बस माशाल्लाह ही होता है। तो यस, जो है सब कुछ लगा देती हूँ पहले, फिर आपको पहले दिखाती हूँ कि क्या क्या लाई हूँ। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं है बस, लेकिन वही है कि इंडियन मार्केट जाओ तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है एक्स्ट्रा, तो लेने एक सामान जाओ और आ जाता है कई चीज़ें। तो यस, चलिए फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया। और इधर देखिए हमारा ट्री जो है रेडी है क्रिसमस के लिए, तो एक बार आपको ट्री दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखिए, और इसके पीछे भी छिपा छिपा के मैं रखी हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो भी कि ताकि राम कृष्ण और ये लोग खोलने ना पाए क्रिसमस से पहले। और बस यहाँ पे कुछ जो बाहर के प्रेजेंट हैं वो जो हमारे मेरे जो बनाए हुए हैं वो तो ये जो है पैकेट वाले हैं, मैंने बना बना के रखे हैं। ये जो बैग में आप देख रहे होंगे ये बैग में लोगों ने दिए हैं बच्चों को, और देखते हैं संता सीक्रेट संता ने क्या क्या दिया है। तो यस, और अभी एक गिफ्ट जाना बाकी है।
तो इधर में ओनियन है, ये लिया है हरी मिर्च का पैकेट, ये है यहाँ पे टमाटर है, मूली लिया है मूली का पराठा बनाने के लिए, इधर भिंडी है मेरी और मेरे बेटे की दोनों की फेवरेट है, एवोकाडो ले लिया है और सोया लिया है, धनिया है, ये लौकी है और इधर में मेथी है। तो सब्जियों में बस यही इतना लिया है, तो ये पहले मैं हटा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको। तो ये सारे हमारे सामान हैं जो जो हमने आज लिए हैं, अभी बता देती हूँ क्या क्या लिया है। तो दो पैकेट ये लिया है हमने नूडल, और ये मैं जॉब पे भी रात में ले जाती हूँ तो ये दो पैकेट ले लिया है, बच्चे भी खाते हैं तो मैगी है ये ले लिया है, ये 8 का पैक होता है, इसके अंदर फैमिली पैक है, अच्छा है। और मसाला इंस्टेंट नूडल है, वेजिटेबल्स डालो और झटपट ये बन जाता है, तो हमारे लिए सही होता है, ये बड़ा पैक ले आती हूँ। और तिल है थोड़ा, मैंने जो है एक पैकेट सफ़ेद तिल लिया है, एक पैकेट काला, तो मैं हमेशा जो है मिक्स करके बनाती हूँ। तो अब तक तो पापा वाला तिल चल रहा था जो पापा ने पहली बार भेजा था, लेकिन अभी फिनिश हो गया है, अभी थोड़ा सा है इसमें मिला दूंगी। और ये जो है धोया हुआ तिल होता है, जस्ट इसको केवल भून के और बनाना होता है, तो धोया धोना बनाना नहीं होता है, डिपेंड करता है यहाँ के धूप के ऊपर, तो धूप निकली तो ठीक है धुल लिया, नहीं तो धुलना कोई ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मैं धोया तिल ही लेती हूँ। और माघ में तिल लेते नहीं हैं, तो मैंने अभी भी तिल ले लिया है, मेन यही चीज़ था मेरा जो मेरे जाने का पर्पस था, क्योंकि माघ लग जाता तो माघ में तिल नहीं लेते हैं, माघ में गुड़ नहीं लेते हैं। सकट आ रहा है जनवरी में, एंड ऑफ द जनवरी में होगा सकट, जनवरी के लास्ट वीक में आई थिंक होगा, तो इसलिए लिया। और इधर उसी के लिए गुड़ ले लिया था, ये दो, एक ऐसे लिया है मैं जार में और एक ऐसे लिया है, ये देसी गुड़ है दोनों वैसे। और गोंद लिया है गोंद के लड्डू बनाने के लिए, ये खसखस है खसखस ले लिया है, और ये फलकन ब्रांड का ही है, जो फलकन में मिला सही दाम में मैंने वो ले लिया, जो मुझे वैसे बाहर का जो कंपनी मतलब नेटको वगैरह का जो सही रेट में मिला वो, जो जैसे ये गोंद है ये नेटको का मैंने लिया, फलकन का महंगा दिख रहा था तो मैंने फलकन का गोंद नहीं लिया, और उसका थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा क्वालिटी भी नहीं दिख रही थी तो मैंने वो नहीं लिया। तो जिसकी अच्छी क्वालिटी होती है थोड़ा रेट में भी फलकन का जो है थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए कुछ उनके ऑफ़र में भी होते हैं और कभी दूसरी कंपनियों में ऑफ़र होता है, तो इसी तरीके से लेते हैं सामान जो जहाँ जो है रेट एडजस्ट हो जाए, तो प्राइस एडजस्ट करके अपने आप से सोच के लेना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने गोंद जो लिया वो नेटको का लिया है, ये पॉपकॉर्न दिख गया तो ले लिया, वैसे तो मैं पॉपकॉर्न जो है वैसे ही बनाती हूँ, ये बना देती हूँ आपको, दिखाया भी था। मसूर की दाल ले लिया है, यहाँ मूंग की दाल है, और ये जो है अमचूर पाउडर ख़त्म हो गया था, यहाँ डेट्स हैं, पीनट्स हैं, पीनट ले लिया है, चिक्की वगैरह बनाएंगे सकट में तो काम आएगा। यहाँ पे समोसा है, पंजाबी समोसा ले लिया एक पैकेट, फ्रोजन है ये, फ्रोजन में डाल देंगे, टोस्ट ले लिया है, और अभी ये घूम रहे हैं फिर आ गए नीचे ये। तो यहाँ पे वीडियो म्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लग गई थी तो आपको कुछ समझ में ना आता। होल स्पाइसेस में यही लिया था मैंने, ये खड़ी इलायची थी जो काली वाली होती है बड़ी वाली, और ये चक्रफूल था, लौंग था, ये धनिया था, ये सब मैंने ले लिया है, ख़त्म हो गया था, जावित्री था और ये कलौंजी ख़त्म हो गया था। जैसे अभी ये मैंने नेटको का लिया क्योंकि फाल्कन ब्रांड में बड़े पैकेट में था तो मुझे उतना नहीं चाहिए होता है, तो कभी कभी ही यूज़ होता है, ये छोटी पैकेट चाहिए थी तो मैंने इसका ले लिया नेटको का।
ये सरसों का मस्टर्ड ऑयल है और खाने में मैं यही यूज़ करती हूँ। रिफाइंड भी रखती हूँ साथ में, जैसे पूरी वगैरह बनाना हुआ तो रिफाइंड ही यूज़ होता है। तो प्राण का लेती हूँ या फिर पतंजलि का, लेकिन दोनों नहीं था तो आज मैंने ये डाबर का भी सही होता है ये ले लिया। मखाना ले लिया है, मखाना अभी क्योंकि लड्डू वगैरह बनेगा तो उसमें यूज़ होगा तो एक पैकेट और ले लिया है। और बस यही इतना था। और इधर में भुजिया है, कुछ हमारे नमकीन्स हैं हल्दीराम के, ये ऑफ़र में थे, 99 पेंस का एक था तो ये भी दो दो पैकेट मैंने लिया है। और ये जो भरे वाले दाल वाले समोसे होते हैं ना छोटे छोटे, वो हैं इलाहाबाद में, बहुत छोटा समोसा मिलता है, जैसे हम लोग बड़े समोसे खाने के यहाँ पे हमारे यहाँ यूपी साइड में मिलते हैं, वो इलाहाबाद का समोसा अगर किसी ने खाया हो तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे समोसे होते हैं, इलाहाबादी समोसे उसको बोलते हैं। ये मैंने ले लिया है मूंगफली, मेरा प्रिय भोजन है। और छुट्टी में जब भाभी आएगी तो मैं और भाभी बैठकर खूब कुटुर कुटुर खाएंगे इसको, इसलिए लिया है चटनी बना के। तो उसके बाद ये है यहाँ पे, अच्छा इलाहाबाद का नाम इसलिए लिया मैंने क्योंकि मेरा ननिहाल है इलाहाबाद में। तो या इस टाटा सॉल्ट है और ये चिली पापड़ ख़त्म हो गया था। बस यही इतनी ग्रोसरी है और कहने के लिए यही इतनी है, लेकिन बहुत है ये। और दाल वगैरह ऐसे कुछ ज़्यादा ख़त्म नहीं था, अरहर दाल हम ले आए थे बड़े पैकेट का तो अरहर है, जस्ट दो मैंने लिया था केवल, दाल मसूर की और मूंग की दाल ख़त्म हो गई थी। तो इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा, आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, बहुत ढेर सारा